अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अरे आ रहे होंगे, क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ ना, रखो वहाँ पे जल्दी। हेलो, आ गए ये लोग। अरे कद्दू बेटा, शशांक, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जीते रहो, जीते रहो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। माता जी, बाय द वे, डिनर का प्लान अच्छा ना? क्या बात है? प्लान अच्छा ना क्या भाई, परिवार से मिलने का मन किया तो डिनर अरेंज कर लिया ऐसे ही। पांच छह लोगों के लिए इतना सब कुछ। कद्दू, दरअसल सिर्फ तुम लोग नहीं हो, तुम्हारे घर से भी लोग आ रहे हैं। तो इस पार्टी के बहाने वो लोग रिश्ते सुधारना चाहते हैं, लेकिन नंदनी की सगाई पे जो हुआ उसके बाद मुमकिन नहीं। हिताब की पार्टी में आके नानू ने झगड़ा तो रुकवा दिया था, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि हमारे बीच में सुलह हो जाएगी तो नहीं। दानिश, छोड़ो इन बात को, चलते हैं। जय श्री कृष्ण। शशांक, अगर तुम जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि अगर रुकोगे तो अच्छा होगा। हाँ, डीएम के कहने पर ही ये डिनर मैंने अरेंज करवाया है। वो तुम सबसे मिलना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके दिमाग में जरूर तुम्हारे लिए कुछ है, वरना वो तुम्हें घर पे आके भी मिल सकते थे। ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किए मैंने शशांक, कम से कम दुनिया ये तो कहेगी कि सुलह की कोशिश में तुमने साथ नहीं दिया। मैंने तुम लोगों से जो भी कहा था वो याद है ना? अंदर झगड़ना मत, वो लोग तुम्हारे भाई हैं, दुश्मन नहीं। आप घबराइए मत दादी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नानका, मैं तो कहती हूँ और एक बार सोच ले, ये सब तो क्यों कर रहा है? मोटी बहन, में जो कर रहा हूँ बरोबर कर रहा हूँ। ये जो नवी पीढ़ी में शत्रुता पल रही है ना, जो झगड़े चल रहे हैं, मन मुटाव चल रहा है, ये सबको खत्म करने का यही तरीका है। संतू ने जो बोला है ना, बात बरोबर है। अरे तू भी किसकी बातों में आ रहा है? ये संतुड़ी, ये खुद तो शेख चिल्ली है, सलाह भी शेख चिल्ली जैसे देती है। जब भी कोई योजना बनाती है ना ये लड़की, सब काम उल्टा पुल्टा हो जाता है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, जो होगा सब बरोबर ही होगा। आइए चलिए। अरे हे साड़वाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज भी समय के उतने ही पाबंद हो आप। समय को समय पर समझ जाना ही समझदारी है। बहुत सुंदर लग रही हो संतू। आप भी बहुत सुंदर लग रही है। आइए तरु बहन। जय श्री कृष्ण। कैसी हो कद्दू? ठीक हो। शशांक, तुम कैसे हो? नंदिनी, वहां क्यों खड़े हो? नानी का आशीर्वाद नहीं लोगे? जीते रहो, जीते रहो। देखा भैया,
अभी तक घूर रहे हैं लोगों में। विक्रम, याद है ना संतु दादी ने क्या कहा था? हमें यहाँ ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है जिसकी वजह से माहौल खराब हो। बहुत दुख था इसे मने, दुख होता है मुझे ये सब देख के। हमारे घर में एक समय ऐसा था कि समय कम पड़ता था पर बातचीत खत्म नहीं होती थी। दुख होता है मुझे आज कि आज एक दूसरे को बोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है, तुम सब विचार रहे होंगे कि मैंने सबको जमने को साडू भाई के यहाँ एक साथ क्यों बुलाया। बात ऐसी है कि नंदी ने के सगाई के रोज जो हुआ उससे जो दूरियां हम में थी वो और भी अधिक बढ़ गई। अने मुझे सबसे एक साथ में बात करनी थी इतला माटे। अबे मारी बात समझो, मेरे परिवार में जो झगड़ा चल रहा है वो जमीन के कारण चल रहा है। जमाई राज को जमीन चाहिए शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, बरोबर। हमारी हर संतान हमारे दिल का टुकड़ा है, अने जमीन के टुकड़े से ज्यादा है हमारे दिल के टुकड़े। इतला माटे ज संतु और मैंने ये निर्णय लिया है कि गांव की वो मुख्य जमीन मैं जमयराज और कादंबरी के नाम कर दूंगा। बनाई ले जो शॉपिंग मॉल। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप क्या चाहते हैं। इस जमीन के बदले आप दूसरी जमीन देना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं। आपके पोते ऋषभ का सपना उस जमीन पर हो और हमारे सपने कहीं और। वाह, आपका ये छल भी देख लिया आज। शुभ बोलो। मैं छल कर रहा, समझने में भूल हुई है तुझे, मैं छल नहीं कर रहा हूं कोई। छली तो है नानू, आपने हमें बच्चा समझकर कुछ भी दे दिया ये सोचकर कि हम बहल जाएंगे। अच्छी वाली जमीन तो आपने खुद रख ली और हमें वो जमीन दे दी जो किसी काम की नहीं है। पार्थ, अगर तुम्हें किसी बात की समझ ना हो तो बीच में मत बोला करो। मेरे ख्याल से नानू ठीक कह रहे, हमें नानू का ऑफर मंजूर है। दानिश डैड, नानू ठीक है तो कह रहे हैं, मॉल के लिए इससे बेटर जमीन हो ही नहीं सकती। मेरे ख्याल से हमें ये जमीन लेके नानू का मान रख लेना चाहिए। नानू ने एक पहल की है रिश्ते सुधारने की, तो ठीक है, हम भी उन्हें ये बता देंगे कि हम भी इस परिवार में कोई झगड़ा नहीं चाहते। डैड की तरफ से ये ऑफर मुझे मंजूर। गणेश, मैं आज सुधी तेरे बारे में जो सोचता था ना, जो विचारता था ना, बरोबर है, बिल्कुल अपनी नाम की तरह है दानिश। उन्हें गर्व होता है मुझे तुझ पर। जीवतो रह दिख रहा, जीवतो रहे। तो मैं राज यहां हूं। हेलो, ये जमीन का कागड़िया है, तेरे नाम कर दिया है। We'll be right back.